हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग्स। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है ब्रो। तो आज के दिन काफ़ी नॉर्मल से चल रहे हैं यार, क्या बताऊँ। सिस्टम हैंग हो रखा है, मतलब सारा काम बम सिस्टम ठप है अभी मिंजरों की वजह से। फिफ्थ मिंजर आज, देखते हैं प्रब आ रहा है कोई, कौन प्रब गिल आ रहा है शायद। तो शाम का वही सिस्टम होगा। पल्लू गई है अभी टैटू बनवाने, जैसे आती है टैटू उसका दिखाऊंगा आप लोगों को। तो थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे, देखते हैं आगे का सीन क्या बनता है क्या नहीं बनता है। रात को घूमने का मूड भी कुछ है ही नहीं, तो देखते हैं क्या चलता है। शॉप में काम का तो सिस्टम ठप पड़ा है दोस्तों। मिंजरों का वक्त होता है तो सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो जाता है यार। तो तभी मैं सोच रहा था कि नहीं यार, एक आधा ब्लॉग बना ही लूँ तो बेस्ट है। तो अभी थोड़ी देर में पल्लू आएगी, पल्लू का दिखाऊंगा टैटू, उसके बाद देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम बनता है अपना। और खाना वाना तो खा चुका है, थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे तो चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या मूड बनता है। अमन शिमू वगैरह के साथ, एमी के साथ जो भी सिस्टम बनेगा आपके साथ शेयर करूँगा सारा आज के नए ब्लॉग में। तो आपको पता है कि लास्ट मैंने दो मिंजरों में फुल मस्ती इंजॉय किया, झूले वगैरह झूला मिंजर में। आपको पता है जो किश्ती वाला फाइनली याद है आपको, थर्ड मिंजर में जो भाई औसम नज़ारा मज़ा आ गया था, जो किश्ती वगैरह झूली थी। तो फोर्थ मिंजर में भी ऐसी किश्ती झूली, बहुत मज़ा आया। ब्रेक डांस हमारा इतना घूमा नहीं था उस टाइम पर, मज़ा बहुत इंजॉय बहुत किया। आपने मेरे थर्ड डे वाले मिंजर ब्लॉग में देखा ही होगा, तो उसमें काफ़ी इन्जॉयमेंट लिया। पूरा एकदम बचपना सा बोलते हैं ना उसको, पूरा बचपना सा याद आ जाता है कि बंदा छोटा होता है जब झूले वगैरह झूलता है। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट फील कराता है यार मेले घूमने का, मेलों में घूमने का तो कुछ अलग सा फील होता है, जैसे बचपना सा याद आ जाता है। झूले झूल के बहुत मज़ा आता है यहाँ पे मिंजरों का, और एक हिसाब से मिंजर अच्छी भी है। चलो आता कुछ फन इन्जॉयमेंट हो जाती है, और मेला एक यादगार रहती है, एक गेट टुगेदर जैसे पूरी सिटी का, पूरी सिटी के लोग जो आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो अब पल्लू आ चुकी है, ये देखो पल्लू बना के आ गई है। क्यों रोका? चाय पीने के लिए, स्पेशली चाय पीने के लिए। तो चाय तेरे को यहाँ पे नहीं आनी थी? नहीं, वो मंगवा दी थी भी, मैंने बोला भैया से बात कर लो। अच्छा, मेरे फॉलोवर्स को अपना टैटू दिखा पहले, बात कर लो। वो अच्छा किया, उंगली तो नहीं तोड़ी तेरी। बहुत दर्द किया गाइस। हाँ बहुत दर्द है, दिल तो टूटा नहीं है। दिखाइयो ए आए है, ए लिख लिया, ए है आए है, लिखा ले तू, ए लिखा ले बेटे। हमने भी कुछ लिखाया मिटा दिया, हम अब नाम नहीं शो करेंगे। लिखा ले लिखा ले, कोई नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है, इसको फील आ रहा है। तो थोड़ी देर में गाइस हम लोग चाय वाय पियेंगे, फिर देखते हैं क्या मूड करता है आगे। चाय वाय पी के आगे के पूरा ब्लॉग कवर करूँगा। बड़ी खुश हो गई है भाई अपना ए लिखा के, उंगली तोड़ा चुकी है। हाँ तो नाम तू फॉलोवर्स में मेरे शेयर करी, तो क्या हुआ? तो कल को मेरे व्यूज पड़ गए, तेरा बॉयफ्रेंड चेंज करने का मूड किया फिर। नहीं मैं नहीं करूंगी चेंज भाई, लॉयल है उसके लिए, मैं नहीं करूंगी। लॉयल है? तूने मेरी ऑडियंस को बता ही दिया फिर, है ना? पक्का लॉयल है? कल को तेरा चेंज हुआ, ये ऑडियंस तेरे को गालियां देगी। कोई बात नहीं, देख लियो फिर। ये ब्लैक बैग नहीं हट रहा, तो ब्लॉग्स में व्यू पड़ गया फिर मैं काटूंगा नहीं ब्लॉग। कोई बात नहीं ब्रो। हाँ देख लीजिए फिर, ये देख ले, हाय हाय। तो गाना लगाते हैं अब थोड़ी देर में। इसी खुशी पे पल्लू बहुत हैप्पीनेस फील कर रही है आज, बहुत दर्द हो रही है बंदे। हम कब करेंगे ये हैप्पीनेस फील, हम कब करेंगे ब्रो? कोई नहीं, करवाने वाली आ जाएगी। कौन सी? विद मैक्स प्रो वाली होनी चाहिए ना, मैक्स प्रो ही वाली होगी। जब आएगी तब आएगी। आपने खाना खा लिया ब्रो? मैंने तो नहीं खाया, वो पड़ा टिफिन, अपने फॉलोवर्स को दिखा दूं। तो टिफिन थोड़ी देर में खाना वगैरह खाएंगे, ठीक है? मिलते हैं ब्रो थोड़ी देर के बाद, या शाम को मिलते हैं एमी उम्मी के साथ, अगर हम दोनों थोड़ा और ब्लॉगिंग करने का मूड हुआ तो। मिलते हैं,
बारिश लग पड़ी है बाहर। कोई नहीं, हम तरपाल वगैरह डालते हैं, वो भी दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, तो इस बच्ची का प्रोग्राम है 7th मिंजर कल, तो इसका प्रोग्राम सारे ज़रूर देखें हमारे मिंजर फेयर पे 2023 आपका 29 डेट, ठीक है। तो शाम का प्रोग्राम है, शाम का कितने बजे का टाइम है, कितने दिन का, कितने बजे का, 3 बजे, 3 बजे का बच्ची का प्रोग्राम है लाइव। तो आप लोग कल के ब्लॉग में भी देखना और कल आके ज़रूर देखना मिंजर चौगान बाज़ार में। अभी बच्ची ड्रेस लेने आई है तो मैं इसको ड्रेस दूंगा, देखते हैं कौन सा ड्रेस लेती है बेबी, जो इसको पसंद आएगा। तो देखना, इसके मम्मा आए हैं साथ में, तो जो पसंद करेगी वो भी जाते जाते मैं दिखवाऊंगा आपको। और ये परफॉर्मेंस करेगी तो इसके इसको अच्छा सा मोटिवेट करना, बच्चे को ब्लेसिंग पूरी देना इस बच्चे को अपने साथ साथ, ठीक है एवरीवन। तो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, दिखाता हूँ इसने कौन सी ड्रेस की है एवरीवन। तो बेबी ने अपनी ड्रेस पसंद कर चुकी है, तो अब इसका गाना म्यूज़िक चलाएंगे, म्यूज़िक इसका यहाँ पे हम थोड़ा सा डांस दिखाएंगे, तो फिर आगे ये करेगी मिंजर पे कल परफॉर्म। तो अभी फ़िलहाल आपको स्टार्टिंग अभी दिखाता हूँ डांस इसका, ठीक है। तो इसकी ड्रेस सेलेक्ट हो चुकी है, हंस रही है, हंसले बेटे हंसले, डांस करके लगेगा पता तेरा। सो एवरीवन, बच्चे ने अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, प्लाजो सेट, जो अभी आपको डांस परफॉर्मेंस में भी मैंने दिखाया। तो फाइनली ये बेबी का ड्रेस है, टॉप और ये प्लाजो, ठीक है। तो अभी मिंजर में परफॉर्म करेगी तो इसको काफ़ी व्यूज़ देने हैं अच्छे, और ब्लेसिंग देनी है बच्चे का, तो आगे बच्चे का करियर काफ़ी अच्छा बने। हाँ, बच्चे का चैनल भी है, किस नाम से है, एक बंदा बोले यार, नैनिका ठाकुर। तो यूट्यूब चैनल है ना इसका, ब्लॉग्स वगैरह में, हाँ शॉर्ट्स वीडियोस में है, तो शॉर्ट्स वीडियोस में इसको फॉलो करें जाके। इसकी आईडी का नाम बोलना एक बार, हाँ ठीक है, ओके बेबी डन, मिलते हैं ब्रो थोड़ी देर के बाद, बेबी बाय कर दो। सो एवरीवन, शॉप बढ़ा के रेडी हो चुका हूँ, तो एमी वगैरह से मिलते हैं आगे। तो आज प्रभ गिल जी आ रहे हैं, तारियां दे देश रहने वाले हैं वाले, तो वहाँ जाके उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मिलता हूँ एमी उमी के साथ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए पैक। तो एमी मिल चुका है, एमी कर रहे हैं, ओ सिमू चलो भाई चौगान नंबर एक पे चलते हैं। अब मीत भाऊ जी भी पहुँच चुके हैं, सुन भाऊ जी भी। सो भाइयों, हम पहले नंबर चौगान पे एंट्रेस करके क्रॉस कर चुके हैं, आगे जाके देखेंगे परफॉर्मेंस पे। तो आज 6th डे है अपना, 6th डे मिंजर का, रब गिल आया हुआ है। सो एवरीवन, देख सकते हो आप चौगान पूरा भरा पड़ा हुआ है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो ब्रो, भीड़ है पूरी मैक्स ब्रो, स्ट्रिक्ट भेज दे जड़ी भेजनी का। सो एवरीवन, थोड़ी देर में पहुंचेंगे गाइस, हम जाने वाले हैं चौगान। भाइयों ठीक ठाक भीड़ यहाँ पे इकट्ठी है, आप देख सकते हो। प्रभ गिल की फैन फॉलोइंग देख सकते हो ब्रो आप लोग। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेज के पास,